हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पासिंग पॉइंटर्स टू ए फंक्शन। मतलब पॉइंटर्स को हम किसी फंक्शन को कैसे पास करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। सो फर्स्ट वी टुडे वी स्टार्ट विथ पासिंग पॉइंटर्स टू ए फंक्शन। पासिंग पॉइंटर्स टू ए फंक्शन। ठीक, इसमें देखिए क्या होता है कि पॉइंटर्स आर ऑफन पास टू ए फंक्शन एज आर्गुमेंट्स। दिस अलाउज डेटा आइटम्स विद इन द कॉलिंग पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम टू बी एक्सेस बाय द फंक्शन, अल्टर्ड विद इन द फंक्शन एंड देन रिटर्न टू द कॉलिंग पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम इन अल्टर्ड फॉर्म। तो मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी डाटा आइटम को विद इन द कॉलिंग पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम, उस डेटा आइटम को जो कॉलिंग पोर्शन में है, फंक्शन एक्सेस कर सकता है, अल्टर्ड कर सकता है एंड देन रिटर्न टू द, और फिर अल्टर करने के बाद उसको कॉलिंग पोर्शन को वापस कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि वी रिफर टू दिस यूज ऑफ पॉइंटर एज पासिंग आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस और बाय एड्रेस और बाय लोकेशन। ठीक है, तो अब इसमें जब हम किसी भी आर्गुमेंट को पास करते हैं तो पासिंग इसको हम बोलते हैं, जब हम इस तरह से पास करते हैं पॉइंटर का यूज करके, तो हम उसको बोलते हैं पासिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, बाई रेफरेंस मतलब वैल्यू की बजाय हम यहाँ पे बाई रेफरेंस, या इसको हम और बाई एड्रेस भी बोलते हैं, या इसको बाई लोकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, जब हम पॉइंटर का यूज करके पास करते हैं तो इसको पासिंग आर्गुमेंट्स बाई रेफरेंस या बाई एड्रेस या बाई लोकेशन बोलते हैं। और इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि पासिंग आर्गुमेंट्स बाई वैल्यू। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि व्हेन एन आर्गुमेंट इज पास्ड बाई वैल्यू द डेटा आइटम इज कॉपीड टू द फंक्शन, हेंस एनी अल्टरेशन मेड टू द डेटा आइटम विद इन द फंक्शन इज नॉट कैरीड ओवर इन टू द कॉलिंग रूटीन। मतलब अगर हम वैल्यू पास करते हैं किसी फंक्शन में और उसमें चेंज होता है तो वो चेंज कॉलिंग रूटीन में नहीं होता है, लेकिन जब हम रेफरेंस से पास करते हैं, व्हेन एन आर्गुमेंट इज पास बाय रेफरेंस हाउएवर द एड्रेस ऑफ ए डेटा आइटम इज पास टू द फंक्शन, द कॉन्टेंट्स ऑफ दैट एड्रेस कैन बी एक्सेस्ड फ्रीली आइदर विद इन द फंक्शन और विद इन द कॉलिंग रूटीन। मोर ओवर एनी चेंज दैट इज मेड टू द डेटा आइटम विल बी रिकॉग्नाइज इन बोथ द फंक्शन एंड द कॉलिंग रूटीन, एंड हेंस द यूज ऑफ ए पॉइंटर एज ए फंक्शन आर्गुमेंट परमिट्स द करस्पॉन्डिंग डेटा आइटम टू बी अल्टर्ड सॉरी ग्लोबली फ्रॉम विद इन द फंक्शन। व्हेन पॉइंटर्स आर यूज एज आर्गुमेंट्स टू ए फंक्शन सम केयर इज रिक्वायर्ड विद द फॉर्मल आर्गुमेंट डिक्लेरेशन विद इन द फंक्शन, स्पेसिफिकली फॉर्मल पॉइंटर आर्गुमेंट्स दैट मस्ट ईच बी preceded by an asterisk. Function prototypes are written in the same manner. If a function declaration does not include variable names, the data type of each pointer argument must be followed by an asterisk. तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। The use of pointer argument is very important in C programming. अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए इसको पासिंग आर्गुमेंट बाय रेफरेंस को हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं कि मान लीजिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं दैट इलस्ट्रेट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी आर्गुमेंट्स विच आर पास्ड बाय वैल्यू एंड पॉइंटर आर्गुमेंट विच आर पास्ड बाय रेफरेंस। ठीक है, तो अब मान लीजिए हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें आपको पास्ड बाय वैल्यू और पास्ड बाय रेफरेंस का डिफरेंस एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए हमने ये लिखा, सबसे पहले हमने क्या लिखा, हैश include stdio.h, stdio.h ये हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया,
एक फंक्शन हमने डिक्लेयर किया void, ठीक है, फंक्शन का नाम रख दिया हमने फंक्शन वन, और यहाँ पे हमने इसको वैल्यू पास की इंटीजर u कॉमा इंटीजर v, ठीक है, ये हो गया हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप। तो ये हमने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप, ये डिक्लेयर हो गया। अब दूसरा फंक्शन हमने डिक्लेयर किया, यहां हमने लिखा void फंक्शन टू, यहां पे हमने पॉइंटर का यूज किया, यहां हमने लिखा इंटीजर pu कॉमा इंटीजर pv, ये फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया हमने दूसरा। तो यहां पे हमने फिर लिख दिया फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मान लीजिए हमने यहाँ मेन से प्रोग्राम शुरू किया मेन, और यहाँ हमने इंटीजर डिक्लेयर किया इंटीजर u इक्वल टू वन और इंटीजर v इक्वल टू थ्री, ठीक है। अब हमने कहा प्रिंट एफ बिफोर कॉलिंग फंक्शन वन, अब यहाँ हमने हमने वैल्यू प्रिंट की प्रिंट एफ स्लैश एन, यहाँ हमने लिखा बिफोर कॉलिंग फंक्शन वन फंक वन, ठीक है। यू की वैल्यू हमने यहां डिस्प्ले करा दी, यू इक्वल टू हमने लिखा परसेंटेज डी, फिर वी इक्वल टू परसेंटेज डी, फिर कोट्स क्लोज्ड कॉमा यू कॉमा वी, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर अब इसके बाद हमने यहाँ फंक वन कॉल कर लिया, फंक वन कॉल किया यू और वी के लिए, ठीक है। तो अब कॉल करने के बाद जब ये रिटर्न होके वैल्यू आएगी, तो अब इसकी वैल्यू हम डिस्प्ले कराते हैं प्रिंट एफ आफ्टर कॉलिंग फंक वन, तो स्लैश एन लिखा हमने, यहां लिखा आफ्टर कॉलिंग फंक्शन वन, तो कॉलिंग करने के बाद यू में जो वैल्यू आएगी वो यहां दिख जाएगा और वी में जो वैल्यू आएगी वो यहां दिख जाएगा, ठीक है, यू कॉमा वी, ये हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब फंक्शन टू के पहले क्या रहेगा, तो ये तो फंक्शन वन को कॉल करने के पहले डिस्प्ले और बाद में डिस्प्ले कर दिया हमने। अब हमने कहा प्रिंट एफ यहां हमने लिखा स्लैश एन बिफोर कॉलिंग फंक्शन टू, तो यहां हमने लिख दिया बिफोर कॉलिंग फंक्शन टू, तो u की वैल्यू क्या रहेगी, तो यहां हमने लिखा u इक्वल टू परसेंटेज डी, फिर हमने लिखा v इक्वल टू परसेंटेज डी और u कॉमा v, तो ये फंक्शन टू को कॉल करने से पहले वैल्यू रहेगी। इसके बाद हमने क्या किया, हमने फंक्शन टू को फंक टू को हमने कॉल किया, किसके लिए कॉल किया, एम्परसेंड u और एम्परसेंड v के लिए, इसके एड्रेस को हमने एड्रेस को लेके हमने फंक्शन टू को कॉल किया यू और वी के एड्रेस के लिए। फिर अब जो वैल्यू आएगी वो हमने यहाँ प्रिंट एफ का कराया प्रिंट एफ स्लैश एन आफ्टर कॉलिंग फंक्शन टू, तो यहाँ हमने लिखा आफ्टर कॉलिंग फंक्शन टू, तो कॉलिंग के बाद यू की वैल्यू क्या आएगी, ये हमने लिखा परसेंटेज डी, फिर वी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ हमने लिखा परसेंटेज डी कोट्स क्लोज्ड कॉमा यू कॉमा वी, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे हमने मेन फंक्शन बंद कर दिया। अब फंक्शन वन डिक्लेयर करेंगे, तो यहाँ हमने लिखा void फंक्शन वन, यहाँ हमने लिखा इंटीजर यू कॉमा इंटीजर वी, ठीक। अब जो यू और वी की वैल्यू के लिए वहां से हमने कॉल किया था इसको, यहाँ पे हमने लिखा u इक्वल टू जीरो वी इक्वल टू
जीरो इनिशलाइज कर दिया, फिर हमने कहा प्रिंट एफ स्लैश एन, और फिर हमने किया विद इन फंक्शन वन। फंक्शन वन के लिए उसके अंदर ही जब हम इसको डिस्प्ले कराएंगे तो यू इक्वल टू परसेंटेज डी, वी इक्वल टू परसेंटेज डी, और ये आ गया आपका यू कॉमा वी, ठीक है, और रिटर्न कर देते हैं रिटर्न। ये तो हो गया फंक्शन वन में जो भी चेंजेस होने थे। अब आ जाइए यहाँ पे फंक्शन टू में, तो void हमने लिखा फंक्शन टू, और इसके लिए आर्गुमेंट होगा इंटीजर पी यू कॉमा इंटीजर पी वी, ठीक है। फिर हमने यहाँ लिखा स्टार पी यू इक्वल टू जीरो, फिर हमने यहाँ लिखा स्टार पी वी इक्वल टू जीरो, फिर यहाँ हमने प्रिंट एफ कराया प्रिंट एफ स्लैश एन, यहाँ हमने लिखा विद इन फंक्शन टू, तो फंक्शन टू के अंदर ही जब इसको डिस्प्ले कराएंगे तो हमने यहाँ लिखा स्टार पी यू इक्वल टू हो गया परसेंटेज डी, फिर हमने लिखा स्टार पी वी इक्वल टू हो गया परसेंटेज डी कॉमा स्टार पी यू कॉमा स्टार पी वी, तो ये एस्टरिस्क का साइन लगा के हमने ये स्टेटमेंट बंद हो गया, और फिर यहाँ हमने करा दिया रिटर्न, और ये फंक्शन टू क्लोज हो गया यहाँ पे। तो अब इस देखिए इस प्रोग्राम में क्या होगा कि दिस प्रोग्राम कंटेन्स टू फंक्शन, फंक्शन वन एंड फंक्शन टू। तो इस प्रोग्राम में आप देखिए कि दो फंक्शन है, एक तो ये है फंक्शन वन और एक ये है फंक्शन टू, ठीक है। द फर्स्ट फंक्शन फंक्शन वन रिसीव्स टू इंटीजर वैल्यू वेरिएबल एज आर्गुमेंट्स, तो इसमें देखिए दो वेरिएबल्स यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल ये और ये एज ए आर्गुमेंट ये एक्सेप्ट कर रहा है। दीज वेरिएबल्स आर ओरिजिनली असाइंड द वैल्यू वन एंड थ्री, तो ये वैल्यू जो है ओरिजिनली देखिए यहाँ पे हमने क्या असाइन किया था, इसको वैल्यू असाइन किया था वन और थ्री। अब इसमें क्या होगा कि द वैल्यूज आर देन चेंज टू जीरो विद इन फंक्शन वन, तो जब यहाँ वन और थ्री आपने असाइन किया था फिर जब आप फंक्शन वन पे आएंगे तो इनिशियली देखिए इसको हमने क्या किया है फंक्शन वन में, यहाँ पे इसको भी जीरो कर दिया है इसको भी जीरो कर दिया है, ठीक। द न्यू वैल्यूज आर नॉट रिकग्नाइज इन मेन, तो अभी जो नई वैल्यू जीरो जीरो है ये मेन में नहीं रिकग्नाइज होगी। हाउएवर बिकॉज द आर्गूमेंट्स वर पास्ड बाई वैल्यू एंड एनी चेंजेस टू द आर्गूमेंट्स आर लोकल टू द फंक्शन इन विच द चेंजेस अकर, यानी ये तो आपने जीरो जीरो किया है ये केवल इसी फंक्शन के लिए है ये मेन में नहीं जाएगा, ठीक। तो यानी कि पहली लाइन जो आपकी आएगी यहाँ पे जो हमने लिखा ये पहली लाइन ये वाली जो प्रिंट एफ आएगी यहाँ पे देखिए ये बिफोर कॉलिंग फंक्शन, तो यहाँ पे यू इक्वल टू वन प्रिंट होगा और वी इक्वल टू थ्री प्रिंट होगा। तो अभी आउटपुट क्या आएगा ये हम आपको बताएंगे, पहले अब आप आगे चलिए फंक्शन टू में देखिए क्या होता है कि नाउ कंसिडर द सेकेंड फंक्शन टू, दिस फंक्शन रिसीव्स टू पॉइंटर्स टू इंटीजर वेरिएबल एज इट्स आर्गुमेंट, तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंटर है ये आर्गुमेंट की तरह एक्सेप्ट कर रहा है। द आर्गुमेंट्स आर आइडेंटिफाइड एज पॉइंटर्स बाई द इनडायरेक्शन ऑपरेटर, इनडायरेक्शन ऑपरेटर क्या हुआ ये एस्टेरिस्क, ये जो एस्टेरिस्क होता है इसको हमने पहले ही बताया था क्या बोलते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर, तो इसकी वजह से ठीक है। सिंस द एड्रेसेस रिकग्नाइज इन बोथ फंक्शन टू एंड मेन, द रीअसाइंड वैल्यू विल बी रिकग्नाइज विद इन मेन आफ्टर द कॉल टू फंक्शन टू, चूंकि एड्रेस जो है मेन और फंक्शन टू दोनों में रिकग्नाइज हो रहा है, इसका मतलब कि जो वैल्यू होगी जो दोबारा हमने असाइन किया यहाँ पे जीरो जीरो वो रिकग्नाइज होगी मेन में भी और फंक्शन टू में भी। देयरफॉर द इंटीजर वेरिएबल्स यू एंड वी विल हैव दियर वैल्यूज चेंज फ्रॉम
1,320,0, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप आउटपुट निकालेंगे इस प्रोग्राम का, तो जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा। आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसे आउटपुट आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी, जब इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो जो आउटपुट आएगा वो ऐसे लिखा हुआ आएगा आपका। पहला पहला जो आउटपुट है देखिए, प्रिंट एफ जो दिया हुआ हमने, तो लिखा आएगा बिफोर कॉलिंग फंक्शन वन, बिफोर कॉलिंग फंक्शन वन यू आएगा 1, वी आएगा 3, विद इन फंक्शन वन, विद इन फंक्शन वन ये आएगा u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0, फिर आफ्टर कॉलिंग फंक्शन वन, आफ्टर कॉलिंग फंक्शन वन जब वापस जाएगा तब फिर ये आपका u इक्वल टू 1 और v इक्वल टू 3 ही दिखाएगा। ठीक, तो ये तो हुआ फंक्शन वन का जो आउटपुट आएगा। फिर ऐसी फंक्शन टू के लिए क्या आएगा, तो फंक्शन टू के लिए लिखा आएगा बिफोर कॉलिंग फंक्शन टू यू क्या आएगा, यू आएगा आपका 1, वी आएगा 3, फिर विद इन फंक्शन टू, विद इन फंक्शन टू यू कितना आ जाएगा, पी यू की वैल्यू आ जाएगी 0 स्टार पी यू की, और की वैल्यू भी आ जाएगी 0। ठीक, और आफ्टर कॉलिंग, आफ्टर कॉलिंग फंक्शन टू यू इक्वल टू 0 आ जाएगा और वी इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। तो ये आउटपुट आएगा प्रोग्राम का। अब इसमें जो ध्यान देने वाली चीज है वो ये है कि देखिए, द वैल्यू ऑफ यू एंड वी आर अनचेंज विद इन मेन आफ्टर द कॉल टू फंक्शन वन, दो द वैल्यूज ऑफ दीज वेरिएबल आर चेंज विद इन मेन आफ्टर द कॉल टू फंक्शन टू। तो जब फंक्शन वन आप कॉल कर रहे हैं तो यू और वी की वैल्यू मेन में नहीं चेंज हो रही है, लेकिन जब आप फंक्शन टू कॉल कर रहे हैं, ये देखिए ये वाली लाइन, तो यू और वी की वैल्यू मेन में भी चेंज हो जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस आउटपुट स्टेट्स दैट द लोकल नेचर ऑफ द अल्टरेशन विद इन फंक्शन वन एंड द ग्लोबल नेचर ऑफ अल्टरेशन विद इन फंक्शन टू। यानी इससे ये बात निकल के आई कि फंक्शन वन जो है उसमें अल्टरेशन जो हो रहा है वैल्यूज में, अल्टरेशन वो लोकल नेचर का है, मतलब विद इन द फंक्शन है, और फंक्शन टू में क्या हो रहा है वो ग्लोबल नेचर का है। ग्लोबल नेचर मतलब फंक्शन में भी चेंज हो जा रहा है और कॉलिंग पोर्शन में भी चेंज हो जा रहा है। क्लियर, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कुछ एडिशनल फीचर इस एग्जांपल में क्या है कि दिस एग्जांपल कंटेन्स सम एडिशनल फीचर जो आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो फंक्शन प्रोटोटाइप आपने डिक्लेयर किया है, इस तरह से आपने डिक्लेयर किया है void फंक टू, ठीक है, और फिर आपने इस तरह डिक्लेयर किया इंटीजर पी यू कॉमा इंटीजर पी बी, ये जो आपने डिक्लेयर किया इस तरह फंक्शन प्रोटोटाइप, इसमें क्या है कि द आइटम इन पैरेंथेसिस आइडेंटिफाइज द आर्गुमेंट एज पॉइंटर्स टू इंटीजर क्वांटिटीज, द पॉइंटर वेरिएबल पी यू एंड पी बी हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड एल्सवेयर इन मेन, दिस इज परमिटेड इन द फंक्शन प्रोटोटाइप, हाउएवर because PU and PV are dummy arguments rather than the actual arguments. The function declaration could also have been written without any variable names as, मतलब इसी function declaration को आप इस तरह से भी लिख सकते थे, आप ऐसे लिखते void, आप लिखते यहाँ पे function का नाम function 2, और केवल आप यहाँ पे अगर आप ऐसे लिख देते integer asterisk comma integer asterisk, तब भी वही बात होती, वो जान जाता कि यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल आ रहा है। अब उसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए हम फिर से ये लाइन
नाउ कंसिडर द डिक्लेरेशन ऑफ द फॉर्मल आर्गूमेंट विद इन द फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन टू, मतलब ये जो आपने इस तरह से फॉर्मल आर्गूमेंट को डिक्लेयर किया हुआ है, द फॉर्मल आर्गूमेंट पी यू एंड पी वी आर कंसिस्टेंट विद द डमी आर्गूमेंट इन द फंक्शन प्रोटोटाइप. इन दिस एग्जाम्पल द करस्पॉन्डिंग वेरिएबल नेम्स आर द सेम दो दिस इज जनरली नॉट रिक्वायर्ड. ठीक, तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान देने वाली हैं. तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब हम पास बाई रिफरेंस करते हैं तो अल्टरेशन जो है वो ग्लोबल नेचर में होता है, और जब पास बाई वैल्यू करते हैं तो अल्टरेशन जो है वो लोकल नेचर में होता है. तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके. थैंक यू.